नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार यानी कि 18 मार्च की रात 12:55 पर साबरमती एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन राजस्थान के अजमेर के पास मदार रेलवे स्टेशन पर दोनों ट्रेन का साइड कोलिजन होता है, जिसमें यहाँ पर किसी भी जान का नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन रेलवे की बहुत बड़ी क्षति होती है। दोस्तों, इस घटना को लेकर कई सारे लोगों ने जानना चाहा कि यहाँ पर यह घटना कैसे हुई, तो रेलवे के तरफ से इसका जो है अधिकारियों की एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें क्लियर होगी कि यह हादसे कैसे हुए। तो दोस्तों, फाइनली रेलवे अधिकारियों की जो जांच कमेटी थी उनके द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई है कि यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, हुआ क्या कि यहाँ पर जो भी रेल अधिकारियों की रिपोर्ट थी उसमें यह साफ साफ बताया गया कि इस घटना का पूरा और पूरा जिम्मेदार लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट है। दोस्तों, उन्होंने ये किस आधार पर कहा, इसका पूरा जो है उन्होंने प्रूफ दिया। रिपोर्ट में बताया ये गया कि जब वहां पर मदार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन जो चल रही थी, उस समय ट्रेन की जो स्पीड थी, जो पैसेंजर ट्रेन जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। दोस्तों, यहाँ पर अब ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैसे हुई, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। रेलवे में जो ट्रेन चलाए जाते हैं उनके जो ऑपरेशन होते हैं वो कई चरणों में होते हैं। मान लीजिए कि कोई रूट जो है क्लियर है तो वहां पर एक लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तो ये जो ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आगे चलने के बाद वो अचानक से रेड कभी नहीं होता है। दोस्तों, वो रेड होने से पहले उन्हें कई स्टेप में गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि जब स्पीड जो है ग्रीन सिग्नल के हिसाब से रहेगी तो उस समय ट्रेन की मैक्सिमम परमिशबल स्पीड वह चल रही होगी, जो कि 100 से 120 या फिर 30 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। और उसके बाद लोको पायलट को जो है डबल येलो सिग्नल मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोको पायलट अपनी स्पीड को कम कर लें, क्योंकि आगे आने वाला सिग्नल जो है येलो होगा, तो उस समय डबल येलो पर जो स्पीड होती है 70 से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले आनी है। और जैसे ही डबल येलो के बाद क्रॉस करेगी तो लोको पायलट को यह समझना होता है कि आगे का जो सिग्नल है यह येलो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो है ट्रेन की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर ले आनी है, ताकि यहाँ पर क्योंकि जो अगला आने वाला सिग्नल होगा वह रेड होगा और रेड सिग्नल पर से पहले जो है ट्रेन को उन्हें रोक लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रेन की स्पीड रिड्यूस होती जाती है, ताकि जो है रेड सिग्नल आने से पहले ट्रेन को प्रॉपर तरीके से सिग्नल से पहले रोका जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट में बताया ये गया कि जो है जब ट्रेन वहां पर पहुंचती है तो उनको जो रेड सिग्नल मिलता है उस समय ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन लोको पायलट ये भी बताते हैं कि उन्होंने प्रॉपर जो है डबल येलो सिग्नल और येलो सिग्नल को क्रॉस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोको पायलट डबल येलो सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो उनकी स्पीड जो है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर लानी थी, और जब येलो सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो स्पीड जो है 20 से 30 किलोमीटर पर आवर ले आनी थी, ताकि जो है आगे आने वाला सिग्नल रेड होगा और वो जो है रेड सिग्नल से पहले ट्रेन को रोक सके। लेकिन दोस्तों, जब हादसा हुआ उस समय ट्रेन की स्पीड जो थी 50 किलोमीटर पर आवर आपी गई, इसका मतलब साफ है कि लोको पायलट ने जो है इन सिग्नल को अनदेखा किया, जिसके चलते ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी। और जब ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी इस समय, इसीलिए जो है यहाँ पर ये ट्रेन जो है कंट्रोल में नहीं हुई और जाकर साइड कोलिजन गुड्स ट्रेन के साथ हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर लोको पायलट को साफ जो है यहाँ पर दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो सिग्नल को अनदेखा करके ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया, और दूसरी चीज कि यहाँ पर जब उन्हें रेड सिग्नल मिला तो उससे पहले ट्रेन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और ये साइड कोलिजन हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लोको पायलट को जो है सारी चीजों के आधार पर जो है दोषी ठहराया गया। आगे जो है उनका जो भी चीजें उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये जो सिंगल पास है डेंजर जो भी रेलवे में बताया गया, इसकी बहुत बड़ी सजा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।